Hey guys, what's up? This is Pranik and welcome back to the channel. So today we will be talking about Blue Lock episode 18. भाई क्या हो रहा है इस एनिमे में? क्या हो क्या रहा है इसमें? कुछ पता ही नहीं चलता भाई, कौन क्या है, कैसा, किसका क्या कैरेक्टर है भाई। इसागी योइची अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, विलन है क्या है, ऊपर से फिर बोरो नागी की टीम, गॉड डैम इट। अगर अभी तक तुमने 18th एपिसोड नहीं देखा ना तो भाई जाके देखो, पहले ये वीडियो देख लो उसके बाद देखना, पर जाके देखो भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या कर क्या रहे हैं ये। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर भाई इसागी योइची ने बोरो को बोल दिया कि भाई मेरे रास्ते में मत आइयो डोंकी, अब तू फील्ड पे है कि नहीं है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं और नागी पूरा गेम जीत के चले जाएंगे और तू देखता रह जाएगा, ये तेरी डिफीट होगी, तो हमारी टीम में रहते हुए हारेगा। जिस चीज को लेके भाई बोरो पागल हो गया, क्योंकि वो कह रहा था कि भाई ये है कौन इसागी योइची मेरे सामने, मैं किंग हूँ, मैं किंग ऑफ द कोर्ट हूँ, वाली कागया वाली बात हो गई। एंड ये कल का आया लड़का मुझको फालतू बोल रहा है कि भाई मेरी फील्ड में मत आइयो, तो मेरे बीच रास्ते में मत आइयो। और 70th एपिसोड में लिटरली भाई इसागी योइची ने यूज किया है बोरो का, उसने गोल कन्वर्ट किया है केमिकल रिएक्शन से कि बोरो की बिना हेल्प लिए बट हेल्प लिए उसने ट्रिक किया कि बोरो मैं तुझे पास करने वाला हूं। एंड देन भाई जो स्नीक अटैक किया ना साइड से, ओए होए क्या कर रहे हैं ये, मतलब कितनी वियर्ड बात है ये। अगर हम रियल लाइफ में ऐसे स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं, और जब उसको सामने ऐसे एनिमेशन के थ्रू प्रेजेंट होते हुए देखते हैं ना, तो बहुत बहुत ज्यादा क्रेजी लगता है यार। हाँ ये सब तो मैं सोचता हूँ, बट उस टाइम पे खेलते समय हमें ये सब चीजें ध्यान नहीं होती, वो सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है, बट यहाँ पे जब वो एनिमे में देखने को मिलती है ना, वो बहुत ज्यादा मतलब रिलेटेबल एज वेल एज बहुत ज्यादा एग्जैचुरेटेड ऑसम हो जाती है। एंड मेरा एक थॉट है भाई, मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से ब्लू लॉक जा रहा है इस वक्त, आने वाले टाइम में ब्लू लॉक विल बी द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे, आई मीन वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे, आई मीन वी कांट एक्सक्लूड हाईक्यू, कुरुकोने बस्ते एंड मतलब बहुत सारे हैं, बट फुटबॉल के ऊपर आई डोंट थिंक इससे बढ़िया कोई एनिमे आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एनिमेशन इज द बेस्ट, सेकेंड स्टोरी लाइन बहुत तगड़ी है, थर्ड बहुत सारे एनिमे भाई यही सब प्यार वगैरह ये सब चल रहा होता है, जिसको देख के मैं सच में बोर हो गया हूँ। एज अभी हम बोर हो जाते हैं यार, कि मतलब यार हर एनिमे में यही कहानी है, एक हीरो की स्टोरी है, फिर वो विलन से लड़ता है, पर ये विलन की स्टोरी है भाई ब्लू लॉक, ये ईगोइस्ट की स्टोरी है, ईगो होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम्हें इंडिविजुअल खेलना है, और यही बेस्ट लगा मुझे, सबसे यूनिक लगा इस एनिमे के अंदर, जो कि इसीलिए मुझे ब्लू लॉक बहुत पसंद आ रहा है। हाँ तो बात करें 18th एपिसोड की, भाई इस एपिसोड के अंदर दो गोल्स हुए, फोर्थ गोल मारा इसागी योइची ने, बेस्ट मतलब ईगोइस्ट मोमेंट, बोरो का यूज किया उसने, उसको मतलब मजबूर कर दिया पास देने को, जो कि भाई मतलब सही में बोरो उसकी शक्ल देख के पता चल गया, बोरो को देख के वो कह रहा कि इसने मुझसे पास करवा दिया, ये है कौन, मतलब इससे पहले ईगो आ रही थी कि है कौन इसागी योइची, और अब था भाई ये है कौन आदमी यार, ये मुझसे ये कैसे करवा सकता है, आई मीन ये देखने में बहुत मजा आया। एंड द फिफ्थ गोल भाई टेक्निकली देखे ना तो इसागी और नागी दोनों प्रिपेयर थे गोल के लिए, दोनों कुछ ना कुछ करके गोल कर देते एंड सेकंड में, बट ऑब्वियसली बात है भाई ब्लू लॉक चल रहा है, ईगोइस्ट वाली बात चल रही है भाई, बोरो कैसे पीछे हट जाए, कहीं ना कहीं तो इवॉल्व होना ही पड़ता है ना, ब्लू लॉक की भाषा में यही कहेंगे इवॉल्व होना पड़ता है, एक कैरेक्टर इवॉल्व होता है, एक फुटबॉल प्लेयर इवॉल्व हो रहा है, तो भाई बोरो ने अपने आप को इवॉल्व किया, जो किंग ऑफ द कोर्ट वाली बात थी ना कि आई एम द किंग ऑफ दिस फील्ड, उस चीज को हटाया, उसने कहा कि मेरे सामने अब तक ऐसा होता था कि भाई मेरे को लोग सपोर्ट कर रहे होते थे, बट अब पहली बार मुझे फील्ड पे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर नहीं भी होता हूं मैं अपने पासिस के थ्रू जीत सकता हूं, अब तक मेरे गोल्स के थ्रू हम जीत सकते थे, बट अब मैं अगर पास भी करूंगा ना तब भी हम जीत सकते हैं, बट बेस्ट स्ट्राइकर बनना है, ये ब्लू लॉक है, स्ट्राइकर के लिए ही ये लड़ाई चल रही है, तो कैसे अपनी ईगो को रोक सकता है कोई प्लेयर। और फिर बोरो ने अपने आप को इवॉल्व किया ऑब्वियसली, और फिर आती है धमाकेदार एनिमेशन, रेड स्ट्राइप जिगजैग जुग, भाई ज़ेनित्सु बन गया, बस ज़ेनित्सु येलो होता है और अपना बोरो रेड कलर में था, पूरा जिगजैग 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 भाई ड्रिबलिंग हो रही है, एंड बोरो स्कोर्ड। मैं भाई चिल्ला रहा था, मैंने वो भाई ये क्या कर दिया कि मतलब भाई बेस्ट गोल अब तक का, भाई मजा आ गया वो गोल देख के, नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल, मुझे लगा ही नहीं था कि भाई बोरो ये गोल करेगा, ये फाइनल स्कोर बोरो करेगा, मुझे लगा था इसागी पक्का छीन लेगा या नागी कर लेगा, इन दोनों की टीम ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठी हुई है, बट गोल कन्वर्ट किया भाई ने, एंड दैट्स हाउ दे वॉन द गेम। तो अब टीम 3 टीम 4 की होने वाली है, अब नेक्स्ट एपिसोड में ये डिसाइड होगा कि तीनों में से कौन से प्लेयर को चुना जाएगा, मुझे भी नहीं कोई आइडिया कि कौन आने वाला है, क्योंकि मांगा नहीं रीड करता मैं, बट आई डोंट नो, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द एपिसोड स्टार्टिंग ऑफ द मैच ये बोला गया था कि भाई तीनों की चॉइसेस अलग अलग है, इसागी बोरो और नागी तीनों डिफरेंट प्लेयर्स को बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए,
एंड एट द एंड ऑफ द गेम मुझे नहीं पता कि अब ये तीनों एक साथ एक डिसीजन लेंगे या फिर से लड़ेंगे इस चीज को लेके, ये तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो उसका वेट करते हैं और नेक्स्ट एपिसोड देख के फिर उसके ऊपर रिव्यू बनाएंगे। सो दैट इज फॉर द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और मुझे एक बात बताओ, मैं भाई रेगुलर वीडियोज डालता हूँ उस पर इतने जल्दी व्यूज नहीं आते। मैंने रूम टॉर डाला भाई, उस पर दो दिन में 500-600 व्यूज पार कर दिए तुम लोगों ने। मतलब भाई उसमें तो इतनी मेहनत भी नहीं की मैंने बहुत लीस्ट एफर्ट मारा है, क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरे को किसी भी हालत में बनाना है और मेरा सच में कंटेंट बनाने का ज़्यादा मन करता है ना कि ये रूम टॉर वगैरह का। बट मैंने जस्ट बिकॉज ऑफ द फैन सर्विस एंड योर डिमांड्स ये वीडियो बनाई एंड उस पर तुमने अच्छा रिटेंशन दिया। और मैं अगर मैंने यार मैं अपनी रेगुलर वीडियोज छोड़ के यही बनाने लग जाऊँ कि रूम टॉर, फिर किसी दोस्त का रूम टॉर, उसके बाद फिर अपना Q&A, यार क्या हो रहा है ये। और अब मुझे रिक्वेस्ट आने लगे कि Q&A बनाओ। भाई मैं क्या करूं, मैं कंटेंट बनाना छोड़ दूं, मैं क्यों नहीं बनाऊं। बट थैंक यू सो मच, तुमने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सपोर्टिंगली लिया। आई मीन मैंने कुछ बातें ऐसी बोल दी थी जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हार्ट टचिंग हो सकती थी, कि भाई ऐसे ऐसे स्ट्रगल थोड़ा बहुत रहा हमारी लाइफ में। एंड तुम लोगों ने मतलब पूरी वीडियो देखी है भाई, कॉमेंट किया लोगों ने कि भाई ये और जो कि मैंने वो चीज़ लास्ट पार्ट में डाली थी, तो मतलब पूरी देखी तुम लोगों ने वीडियो। और बाकी सारी वीडियो के हिसाब से इस वीडियो का भाई एवरेज वॉच टाइम ज़्यादा आया, तो मैंने कहा यार वीडियो में दम है, अच्छा कंटेंट बना लेते हम। चलो आगे की बात किसी और वीडियो में करेंगे। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी या।